हरियाणा में अपनी ही भाजपा सरकार के खिलाफ अंबाला शहर से बीजेपी विधायक असीम गोयल धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि सरकार के अफसर किसान और मजदूरों के हित में नहीं है, यही कारण है कि उनको एक दिन के सांकेतिक धरने पर बैठना पड़ा। हरियाणा सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले भाजपा विधायक का कहना है कि वे सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि अफसर के खिलाफ धरने पर बैठे हैं और इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सोमवार को फिर दोबारा धरने पर बैठेंगे। उनका कहना है कि बड़े बड़े अफसर मुख्यमंत्री को गुमराह करते हैं, यही कारण है कि अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, किसानों की आवाज को उठाने के लिए उन्हें धरने पर बैठना पड़ा। आज प्रदेश का किसान, प्रदेश का व्यापारी भाई और मजदूर साथी परेशान है। वो गर्मी में सवेरे 5 बजे लाइन में लगता है, किसान साथी शाम तक उसके पोर्टल पे नंबर नहीं चढ़ता, धान बेचने की परमिशन नहीं मिलती। 6 महीने से उसने अपने सोने की राखी की है, आज वो उस सोने को बेचने के लिए सड़कों पे धक्के खा रहा है। मैं इस तानाशाही और ईगो के खिलाफ बैठा हूँ। यही अधिकारियों के दिमाग में सरकार से ऊपर अपनी एक ईगो होती है। अच्छा। मैं आज तक किसी और अधिकारी के खिलाफ ये बात नहीं की। कोई अधिकारी होता है जो अपने आप को, अपनी ईगो को सरकार की नीतियों से ऊपर समझता है और उस अधिकारी के खिलाफ आज ये धरना लगाया, सांकेतिक धरना। माननीय मुख्यमंत्री जी और सबको, कई बार अधिकारी, कई बार वो चीज़ें एक दूसरा पहलू, वो हर एक व्यापारी को चोर बताता है, कई चीज़ें दूसरे तरीके से रख देते हैं। हम भी व्यापारियों के साथ जाते हैं तो हमें कह देते हैं आप चोरों का साथ देने के लिए आगे। जब एक अधिकारी के मन के अंदर इतनी नफरत है किसानों के प्रति, व्यापारियों के प्रति, मजदूरों के प्रति, वो उस सीट पर बैठ के न्याय नहीं कर सकता, मैं बार बार कह रहा हूँ। वहीं कांग्रेस के अंबाला जिले से ही मुलाना हल्के से विधायक वरुण चौधरी का कहना है कि कांग्रेस कह रही है कि किसानों और मजदूरों की बात जिसे भाजपा सरकार नहीं समझ रही। उन्होंने कहा कि जो किसान सरकार के खिलाफ खड़ा होता है उनको ये कांग्रेस का आदमी बोलते हैं। अब ये सरकार बताए कि असीम गोयल कांग्रेस के विधायक हैं या भाजपा के। उन्होंने ये भी कहा कि अगर विधायक सोमवार को धरने पर बैठते हैं तो वो भी उनके साथ बैठेंगे। देश का किसान मजदूर परेशान, तो क्या असीम जी कांग्रेस से हैं? भारतीय जनता पार्टी कह देती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह देते हैं कि जो भी आज सड़कों पे हैं वो किसान बाद में हैं, वो मजदूर बाद में हैं, पहले वो कांग्रेसी हैं। तो क्या असीम गोयल जी कांग्रेसी हैं? हर व्यक्ति परेशान है और मेरे पड़ोसी हैं, मैं तो जरूर बैठूंगा और हम सब बैठे हैं और क्यों ना बैठे। इस सरकार को जगाना होगा, किसान मजदूर की, गरीब की आवाज़ को उठाना होगा। वहीं दूसरी तरफ खाद्य आपूर्ति विभाग के ACS पीके दास का कहना है कि असीम गोयल रूलिंग पार्टी के MLA हैं और ऐसा पहली बार हुआ है जब CM से बात किए बिना कोई विधायक धरने पर बैठ गया हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वहीं मंडियों की व्यवस्था पर बोलते हुए खाद्य आपूर्ति विभाग के ACS पीके दास ने कहा कि मंडियों में सरकार के द्वारा खरीद की उचित व्यवस्था की गई है और खरीद ठीक प्रकार से हो रही है। विधायक का ये राजनीतिक कार्यकलाप है, इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। खरीद ठीक चल रही है और एक सिस्टम के तहत चल रही है, इसीलिए मैं मानता हूं कि जो खरीद के हो रही है वो ठीक हो रहा है। जहाँ तक विधायक महोदय द्वारा धरना देने की बात है, ये उनका एक राजनीतिक कार्यकलाप है, उसके बारे में सरकारी अधिकारी होने के नाते मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, V News।